आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। पहले ही दिन घर के अंदर कई सारे लड़ाई झगड़े हो गए हैं और इन लड़ाई झगड़ों के बीच कई सारे अब बड़े बड़े राजों से पर्दा उठ रहा है। आखिर कौन है इन तमाम लड़ाई और झगड़ों का मास्टरमाइंड? यकीनन आप भी चाहते होंगे जानना। मैं आपको तमाम अपडेट्स दूंगी गॉसिप टाउन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना देरी के गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। दरअसल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, जहां एक तरफ सना मकबूल साई केतन का झगड़ा हुआ है खाने को लेकर, तो वही रणवीर शौरी का लव कटारिया के साथ भी खाने को लेकर भिड़ंत हो चुकी है। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, आखिरकार ये पंगे ना डाले किसने? दरअसल ये पंगा डालने वाला कोई और नहीं बल्कि है चंद्रिका दीक्षित, यानी कि अपनी दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। दरअसल हम सब जानते हैं वड़ा पाव गर्ल जो है काफ़ी ज़्यादा वड़ा पाव बेचने को लेकर मशहूर रही हैं, और इन्होंने ये कहा था कि वो शाम को 4 वड़े ही बेचती है, 4 वड़ा पाव ही बेचती है, उससे ज़्यादा नहीं देती हैं किसी को। और अब ऐसे में उन्होंने वही वाली जो ट्रिक है ना, वही पैंतरा जो है वो घर के अंदर आजमाने की भी कोशिश की है, और जिसके बाद अब लड़ाई झगड़े हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा शुरू। दरअसल मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, वड़ा पाव गर्ल ने दरअसल ये नई तकनीक शुरू की है कि अब उन्होंने ना ये कह दिया है कि जो खाना है उसमें जो वेज खाता है वो सिर्फ चीला खाएगा, जो अंडे खाता है वो सिर्फ अंडे खाएगा। और ऐसे में साई केतन का बार बार ये कहना है कि 2 अंडों से पेट थोड़ी ना भरता है। वही जो सना है वो कह रही है कि मैंने तो सिर्फ चीला खाया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो फूट डाली है ना घर वालों के बीच में, जो ये लड़ाई झगड़ों की जो जड़ बना है खाना, वो सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाओ गर्ल की लगाई हुई आग ही है, जिसमें अब सब जलते नजर आ रहे हैं। वैसे भी वड़ा पाओ गर्ल ने जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में एंट्री ली तो वो अनिल कपूर के तीखे सवालों का जवाब देकर खूब ज्यादा तारीफें बटोरती नजर आई थी। गाइज आप लोगों की क्या राय है, क्या है कहना, मुझे जरूर बताइए कॉमेंट करके इस वीडियो में। इतना ही।